लोकसभा दे विच राहुल नूं विरोधी धिर दा लीडर बनाउण दी मंग उठ रही है। जल्द ही होएगी दस दिए कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक तां वड्डी खबर है। तो बैठक दे विच लोकसभा च कांग्रेस दा लीडर तय किया जाएगा। दस दिए कि सब तो विरोधियों दे विच लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली है कांग्रेस पार्टी। 99 सीटा मिलिया ने जिसके चाहते स्वाभाविक तौर पर सब तो नंबर जड़ा है वह ज्यादा है विरोधियों के कांग्रेस पार्टी का। इस चलते विरोधी धिर का आगू कौन होएगा, विरोधी धिर का लीडर कौन होएगा, इसको लेकर खबर आ रही है कि मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को बनाया जाए। तो यह भी जिक्र योग है राहुल गांधी दोनों सीटों तो जीते ने, वायनाड तो भी जीते ने, रायबरेली तो भी जीते ने। तो एक चुनौती उन्होंने लिए तो चुनौती कह लीए या फिर उन्होंने लिए कह लीए कि उन्होंने चूज करना होगा कि किस सीट तो रहेंगे। जानकारियां भी मिल रही ने कि वायनाड छड़ सकते हैं, पर हुण कांग्रेस जिहड़े लीडर ने राहुल गांधी उन्होंने विरोधी धिर का नेता बनाने लैके मांग उठी है। शिवम प्रताप मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ आपके पास जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, भले ही इन चुनावों में एनडीए गठबंधन सरकार बना रहा हूँ, इंडिया अलायंस को उतनी सीटें नहीं मिली है कि वो सरकार बनाए, लेकिन अब लगातार चर्चा हो रही है नेता विपक्ष कौन होगा लोकसभा में। और उसको लेकर न्यूज 18 को कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने ये बताया है कि राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता विपक्ष हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में इतनी सीटें जीत ली है कि उन्हें दर्जा मिले। पार्टी के कई सांसद इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। पार्टी में अंदर खाने भी चर्चा है कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष का पद लेना चाहिए और लोकसभा के अंदर से सड़क तक हर जगह संघर्ष सीधा मुकाबला होना चाहिए, ताकि जनता में भी ये संदेश जाए कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी न सिर्फ संसद में सड़क पर बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से सीधा संघर्ष कर रहे हैं। जनता ने जो उन्हें मैंडेट दिया है, अब निश्चित तौर पर कई सांसद जिसमें मणिकम टैगोर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, कई राज्यों के प्रभारी हैं, उसके अलावा विवेक तनखा भी अब ये मांग उठा रहे हैं। क्या सहमति मिलती हुई नजर आएगी शिवम? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी के नाम पर पार्टी में वैसे तो आमतौर पर सहमति है, लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है, इसको लेकर एक बैठक होती है और बैठक में ये फैसला होता है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी नेता विपक्ष बन सकते हैं। हालांकि विवेक तनखा जो पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सांसदों की मांग है, ये नेताओं की मांग है, हर फैसला राहुल गांधी स्वयं नहीं ले सकते कि बनेंगे नहीं बनेंगे। जो फैसला संसदीय दल की बैठक में होगा वो राहुल गांधी को मानना पड़ेगा, और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ये पद स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कितने कितने राहुल गांधी नु विरोधी धिर दे आगू दे वजो जिहड़ा नेता है वह चुनिया जाए, ये मांग उठ रही। इसे विचाले अगे वधदे हां। शिवसेना उद्धव दे लीडर संजय राउत का वड्डा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं वार वार कह रहा हाँ मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार बन भी गई तो नहीं चलेगी। संजय राउत का यह वड्डा बयान सामने आया है। दस दिए कि शिवसेना उद्धव दे लीडर ने संजय राउत और उन्होंने वड्डा बयान दिता है। तो उद्धव ठाकरे ग्रुप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा है संजय राउत ने कि मैं वार वार कह रहा हाँ कि मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार बन भी गई तो नहीं चलेगी। तो दस दिए कि लगातार ये बयानबाजी पिछले समय चोणों के दौरान जारी रही है, क्योंकि एकजुट होकर सारे एक गठजोड़ के वलों इंडिया गठजोड़ के वलों बीजेपी के खिलाफ चोण लड़ी। उनको कोशिश करने दो, डेमोक्रेसी है, बड़ी पार्टी है, उनको हक और उनका अधिकार है, डेमोक्रेसी मानने वाले हम लोग हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए। पहल मतलब उनको पहले कोशिश करने देंगे, इसके बाद हम देख रहे हैं। लोकतंत्र में देखना भी जरूरी होता है ना, कौन क्या कर रहा है। अच्छा, तो हम देखेंगे ना। बनाने की कोशिश करते हैं तो करने दो। अच्छा, मोदी जी को इस प्रकार की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, गठबंधन वाली सरकार। मोदी तो अपने आप एक खुद को शहनशाह मानते हैं, अपना ही दरबार लगाते हैं, तो कैबिनेट मतलब आप मानते हैं कि अगर गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है क्योंकि फुल मेजोरिटी में रहे हैं, तो उस तरीके से देश में अराजकता फैलेगी। अच्छा, अराजकता किस तरीके से? अरे सरकार नहीं चला पाएंगे। एनडीए की नवी सरकार को लेकर वड्डी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर आ रही है, टीडीपी मोदी सरकार को बाहरों समर्थन देगी। टीडीपी ने लोकसभा के स्पीकर का अहुदा मंगया है। सोर्सिस के हवाले तो एक खबर है, टीडीपी ने एनडीए कन्वीनर का भी अहुदा मंगया है। तो यह डिमांड रखी जा रही ने, तो यह मंग रखी जा रही है। हम देखना होगा कि कुछ मंग जी मनी जाती है, पर जेकर टीडीपी का जिक्र किया जाए तो इस बार 2024 16 सीटा लैन कामयाब हुई है, जबकि 2019 यही आंकड़ा
तीन सी टीडीपी का, तो इस बार 16 सीटा हासिल हुई ने, तो 16 सीटा के नाल असीं कह सकते हैं कि किंग मेकर की भूमिका इस वे टीडीपी। तो हुण वेखना होगा कि यह शर्तां मन्नियां जांदियां ने या फिर नहीं, पर सोर्सिस के हवाले तो वड्डी खबर आ रही है कि टीडीपी मोदी सरकार नूं बाहरों समर्थन देवेगी, यानी कि सरकार दे विच हिस्सा जरूर होगा पर बाहरों ही समर्थन जिहड़ा है वह दिता जाएगा। तो टीडीपी ने लोग सभा के स्पीकर का अहुदा मंगया है, एक बड़ा अहुदा जिहड़ा है उसकी मंग की गई है। तो टीडीपी ने एनडीए कन्वीनर का भी अहुदा मंगया है, तो सोर्सिस के हवाले तो यह खबर है। कुल मिला के 16 सीटा के नाल टीडीपी इस वेले किंग मेकर की भूमिका के विच है, और जेकर यह शर्तां मनिया जांदियां ने तां वेखना होगा, और जेकर नहीं मनिया जांदियां तां फिर जिहड़ी सरकार है उस नूं जिहड़ा सोचना होगा, क्योंकि एनडीए की सरकार बनन जा रही है और एनडीए दे विच इक वड्डा हिस्सा है टीडीपी। कुल मिला के आंकड़ा भी तुहानू दिखा रहे हैं, जेकर गल की जाए एनडीए की, तो 240 सीटा खुद बीजेपी दियां ने, टीडीपी दियां 16 सीटा, यानी कि बीजेपी तो बाद दूसरे नंबर पर एनडीए लार्जेस्ट पार्टी है एनडीए टीडीपी। तो उस तो बाद बाकी होर संगठन ने, बाकी होर जिहड़े दल ने, जेडीयू के कोल 12 सीटा ने, इस तरीके जेडीएस के कोल 2 सीटा ने, हालांकि मांझी और नाली पासवान जिहड़ा है वह एक एक मंत्रालय मिल सकता है, यह भी चर्चा है। तो हर कोई हर एक सहयोगी पार्टी जिहड़ी है सुभाविक तौर पर उन्होंने अपनी इच्छा होएगी, कितने ना कि अंदर खाते जो मीटिंग चल रही ने उस डिमांड्स रखी जा रही ने, पर यह सोर्सिस के हवाले तो हूँ खबर आ रही है कि मंग जी है उठ रही है वड्डी। टीडीपी के नेता जे कह रहे हैं कि एक तो स्पीकर का अहुदा चाहिए है, दूसरा एनडीए का कन्वीनर का अहुदा चाहिए है। तो कुल मिला के डिमांड्स पूरी होंदिया ने या फिर किस तरीके हल किया जाएगा, ये सब तो वड्डी इस वेले चुनौती की गल असी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बनेगी आने वाले कुछ घंटिया के सौ चुक समागम होएगा, पर उसको पहला एक वड्डी चुनौती है कि किवें सारे दल जिहड़े ने नाराज ना हो। नवीं सरकार नूं लैके एक होर वड्डी खबर है, जेडीयू सूत्रां दे हवाले तो यह वड्डी खबर है, नीतीश कुमार ने केंद्र तो 3 मंत्रालय मंगे ने, और रेल, खेतीबाड़ी ते वित्त विभाग, ये तीनों ही बेहद अहम मंत्रालय ने, बड़े ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ने। तो सोर्सिस के हवाले से खबर है, रेल मंत्रालय नीतीश कुमार की पहली तरजीह है कि रेल मंत्रालय दिता जाए। जेडीएस ने खेतीबाड़ी मंत्रालय की भी मांग की है, तो दस दिए कि 12 नंबर ने, 12 सांसद ने जेडीयू के कोल, इस करके असं कह सकते हैं कि यह डिमांड्स रखी जा रही ने, क्योंकि वह भी इस गल को बहुत चंगी तरह समझते हैं कि उन्होंने तो बिना सरकार बनाना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो इसकी वजह के नाल मंग रखी जा रही है, तो हूँ असं कह सकते हैं कि दाल लाने की कोशिश हो रही है, और खास तौर पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार का जिक्र किया जाए तो इतिहास गवाह है कि इस तरीके मौका देख के चौका मारन वाले ने। तो हूँ जेकर 3 अहम डिपार्टमेंट मंगे जा रहे हैं, क्योंकि रेल मंत्रालय, खेती विभाग, वित्त विभाग तीनों ही अहम ने। कुल मिला के ये दिखा रहे हैं असी टैली, और इस साफ तौर पर वेखा जा सकता है, जेकर नीतीश कुमार का जिक्र किया जाए तो शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार सन इंडिया गठजोड़ की, और जदों पिछले समय के जदों उन्होंने बिहार के कह लिए खेला होया, यानी कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठजोड़ तो छड़िया ही, बल्कि सरकार भी जी एक किस्म के दोबारा तैयार हुई। शिवसेना शिंदे गुट ने भी मंत्रालय मंगे ने, सोर्सिस के हवाले तो भी वड्डी खबर है, शिंदे गुट ने सरकार तो 2 विभाग मंगे ने, शिंदे गुट की नवी सरकार च 2 मंत्रालय की डिमांड सामने आई है, सोर्सिस ये भी कह रहे हैं, यानी कि हर एक गुट के वलों मंग की जा रही है कि विभाग चाहिए ने, मंत्रालय चाहिए ने, और किस तरीके सब तो वड्डी चुनौती बीजेपी के लिए है कि हैंडल किया जाएगा, किवें हल किया जाएगा, रली मिली सरकार जी है वह बनानी तो है ही है, क्योंकि 240 का अंकड़ा खुद बीजेपी के कोल है, 272 का अंकड़ा चाहिए बहुमत दे लई जो नहीं है, तो इस करके साथियों के नाल मिलकर सरकार बनानी है, पर साथी जिहड़े ने वो डिमांड्स रख रहे हैं, मंत्रालय की मांग की जा रही है, तो शिंदे गुट के वलों भी सरकार के 2 विभाग मंगे जा रहे हैं। नवी सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले खबर है, जेडीएस ने केंद्र के 2 मंत्रालय की मांग की है, तो जेडीएस के वालों भी 2 विभाग मंगे जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने को नंबर 2 ही है, 2 ही सीटा आईया ने, 2 सांसद ने,
पर फिर विभाग भी दो मंगे जा रहे हैं। सेहत मंत्रालय खेती मंत्रालय मंगया जा रहा है। कुमार स्वामी के बेटे से जवाई दे मंत्रालय मंगया जा रहा है। बेटी दे ली खेती विभाग की डिमांड है कि बेटे नू खेती विभाग दिता जाए। तो हुण सब तो वड्डी असी कह सकते हैं चुनौती सुभाविक तौर पर बीजेपी के लिए होगी। किवें सारयां दा हल होवे, किवें कोई नाराज ना होवे, सरकार भी बना ली जाए, हिंग लगे ना पटकड़ी, उस तरीके का कोई ऑप्शन लभना होएगा, पर किवें ये सब तो अहम सवाल है इस विचकार है। तो हुण आने वाले कुछ घंटे असी कह सकते हैं कि 24 तो 48 घंटे एक अग्नि परीक्षा दे विच असी कह सकते हैं बीजेपी गुजरेगी, और खास तौर पर NDA कि किस तरीके मिलजुल के सरकार बनाई जाए बिना किसी रौले रखे।